हाय एवरीवन, दिस इज टिंसी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट थ्री। पार्ट वन और टू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट टू में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जानी थी नेशनल डेवलपमेंट को लेकर के। हमने जाना था नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में, साथ ही साथ में लिटरेसी रेट के बारे में, और हमने देखा था इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएमआई की। बीएमआई की फुल फॉर्म जो है वो है बॉडी मास इंडेक्स। ये निकाला जाता है किसी भी पर्सन का वेट किलोग्राम में लेकर के, और उसको डिवाइड किया जाता है उसकी हाइट जो कि हम लेते हैं मीटर में उसके स्क्वायर से। तो बॉडी मास इंडेक्स की अगर हम बात करें किसी भी पर्सन का, तो ये हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन कितना नॉरिश्ड है, प्रॉपरली तरीके से नॉरिश्ड है भी या नहीं। तो देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि वो बंदा नॉर्मल है या फिर ऑब्सेसिटी है या फिर मेल न्यूट्रिशन है। तो ये एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। कोई भी मान लेते हैं, हम 14 साल की एक कोई गर्ल है, उसका जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स निकल करके आया वो आया 15.7। तो वो हमारा जो है लाइक करेगा 15.4 और 27.3 के बीच में, जो कि एक नॉर्मल है। मतलब वो जो पर्सन है वो बिल्कुल सही है। अगर ये हमारा लेस देन 15.4 होता तो ये मेल न्यूट्रिशन में आ जाता, वहीं अगर ये मोर देन 27.3 होता तो ये ओबेसिटी में आ जाता। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, हम ये चीज़ तो हम जान चुके थे कि इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा किसी भी जगह के डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो। पर उतना ही ज़्यादा और भी जो चीज़ें हैं वो रोल प्ले करती हैं। तो बात करें अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, ये भी इसी चीज़ के बेसिस पे ली गई है। तो बात करें अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो कंपेयर करता है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन लेवल क्या है वहाँ के लोगों का, साथ ही साथ में उनका हेल्थ स्टेटस क्या है और वहाँ के पर कैपिटा इनकम क्या है। और ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करी जाती है यूएनडीपी के द्वारा। तो टाइम के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए गए, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाए गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस चीज़ से हमें ये बात तो साफ पता चलती है कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट रिलेट करता है वहाँ के सिटीजन्स के ऊपर, वहाँ के सिटीजन्स का हेल्थ स्टेटस क्या है, वहाँ पर लोग आराम से रह पा रहे हैं या नहीं, वहाँ की सिक्योरिटी क्या है, वहाँ पर लोगों को एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिल पा रही है या नहीं, और इसी बेसिस पे जो हमारा कंट्री का डेवलपमेंट है वो देखा जाता है। ये चीज़ तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट से क्लियर हो जाती है। तो बात करेंगे हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो यही है, इसका मतलब कि हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी जो प्रॉपर रिसोर्सेस हैं वो हम दे पाएँ। तो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं ग्राउंड वाटर का। तो ग्राउंड वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो हमारे नेचर के थ्रू हमको मिलते हैं और समय के साथ साथ वो रिप्लेनिश होते जाते हैं। ये बात तो हमको समझ में आ गई। और रॉ रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो हमें एक बार ख़त्म हो गए तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दोबारा से बनने में। मतलब ऐसा समझिए कि वो ख़त्म हो गए तो लगभग ख़त्म हो ही गए। तो एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर जो है एक एग्जाम्पल है रिन्यूएबल सोर्सेज का। तो समय के साथ साथ जो ग्राउंड वाटर लेवल है हम देखते जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। मतलब टाइम के साथ बढ़ तो जाएगा, पर आने वाले हमें देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसको बहुत दिक्कत का सामना करने वाला है वाटर स्केरसिटी को लेकर के। तो हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि आने वाली जो जनरेशन है उसको भी वो चीज़ प्रॉपर अमाउंट में जितनी ज़रूरत है उसको मिल पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं उसको इस तरीके से यूज़ करें कि जितना हमें ज़रूरत है उतना यूज़ करके, उसकी वेस्टेज ना करके उसको कंजर्व करके रखें, जिससे कि हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसका यूज़ कर पाए। और इस तरीके का जो डेवलपमेंट होगा, इस तरीके का यूज़ करेंगे वो हमारा आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। आई होप आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है वो खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।